बीते मंगलवार को सीबीएसई ने 10वीं के बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया, जिसमें धनबाद जिले के दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्र मनीष कुंडू और छात्रा अदिति झा ने 99.80% अंक प्राप्त कर स्टेट टॉपर बनने का मुकाम संयुक्त रूप से हासिल किया। वहीं मनीष कुंडू और अदिति झा ने अपनी इस सफलता का पूरा श्रेय स्कूल के शिक्षकों और परिवार वालों को दिया है। सबसे ज्यादा श्रेय मैं अपने स्कूल के सारे टीचर्स को देना चाहती हूँ और उसके बाद अपने पेरेंट्स टीचर्स को, इसलिए बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया मुझे। कोई भी डाउट होता था वो सारे क्लियर करते थे। क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी तो ऐसा भी नहीं था कि क्लासेस अच्छी तरह से नहीं हो रही है, क्लासेस भी बहुत अच्छी थी और सारे टीचर्स बहुत हेल्प करते थे। तो इस वजह से आगे आपके क्या सपना है? आगे मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। अपने रिजल्ट का श्रेय अपने स्कूल टीचर्स को देना चाहूंगा, अपने पेरेंट्स को। स्कूल टीचर्स ने इस विपरीत परिस्थिति में ऑनलाइन क्लासेस की और पूरे साल गाइड किए और अपने पेरेंट्स घर से पूरा सपोर्ट दे रहे थे, तो इसीलिए उन दोनों को मैं श्रेय देना चाहता हूँ। एनटीएससी में भी फर्स्ट स्टेज में हमारे टॉप 10 स्टेट रैंक में 4 बच्चे दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद के हैं। जो सेकंड टॉपर है मनीष कुंडू, वो डीपीएस धनबाद, और फिर आदर्श कुमार सिंह, वो भी हमारे स्कूल का है, उसका भी रैंक 5th है, और उदय केशव है, उसका रैंक 6th है, और मैत्री मंडल, उसका रैंक 8th है। सो टॉप 10 में 4 बच्चे डीपीएस धनबाद के। एनटीएससी का भी हमारे टीचर्स ही कोचिंग देते हैं, हमें कोई बाहर से कोचिंग नहीं बच्चे लेते हैं ना कोई हमें, हम किसी और को अपने स्कूल में बुला के कोच करवाते हैं बच्चों का, बच्चे टीचर्स खुद मेहनत करके ये एग्जाम दे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।